Welcome to Bollywood Spire. This is Roshni, and today we have with us Ishika Taneja and Jasbir Jasti ji. Swagat hai aapka Bollywood Spire mein. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you ji. Thank you. Bahut meherbani. आप दोनों की जोड़ी एक बहुत ही यूनिक प्रेजेंटेशन दे रही है. लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स दिए हैं, इतनी अच्छी तारीफें मिल रही हैं. आप दोनों को कैसा लग रहा है? बोलिए इश्का. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. एक तो इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है लोगों का, लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा. और ऊपर से जसबीर सर के साथ काम करके, ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ. सो व्हेन यू आर वर्किंग विद अ लेजेंड, तो आपको वैसे ही बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है और आप बहुत ज्यादा, आपको अच्छा लगता है. तो आई थिंक इट वॉज अ प्लेजर. जसबीर जी, काफी समय के बाद वेट कर रहे थे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं काफी देर से सूफी म्यूजिक और इन चीजों के पीछे पड़ा हुआ था. तो कुछ दोस्त जो हैं वो बहुत इंस्पायर कर रहे थे कि कुछ कमर्शियल करो, कमर्शियल करो, क्योंकि माइंडसेट की बात होती है. कई लोग जो हैं वो बहुत वो सोचते हैं कि रीच बड़ी होनी चाहिए. कमर्शियल की रीच तो बड़ी होती है. कमर्शियल अगर नंबर करो तो वो बहुत लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि उसका एक जॉनर पॉप होता है. तो इसलिए बहुत खुशी हुई कि चलो हमने ट्राई किया. और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक था, थोड़ा सा अरेबिक म्यूजिक के साथ था, वो भी एक रिस्क होता है. और दूसरा, अगर पंजाब की बात करो तो पंजाब के हिसाब से ये मतलब बहुत साफ गाना था. कुछ उसमें टाइटल गंदा नहीं था, उसमें लाइनें कोई गंदी नहीं थी, उसमें ड्रग नहीं था, उसमें कोई वायलेंस नहीं था, इस टाइप की कोई चीज नहीं थी. तो चैलेंज और बढ़ जाता है. फिर चैलेंज जो है और थोड़ा सा लगता है कि आप कैसे पॉपुलर करो ऐसे म्यूजिक को, कि उसमें आर्ट ही आर्ट होता है. उसमें ड्रग की गेम नहीं होती, उसमें वायलेंस की गेम नहीं होती, या उसमें वल्गैरिटी नहीं होती. फिर आपको आर्ट को और ज्यादा मजबूत करके लोगों तक पहुंचाना होता. सो लोगों ने पसंद किया, अच्छा लगा मुझे जी. इशिका, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जसबीर जी के साथ शूट करने का? ही इज वेरी, इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि अभी भी लड़कियों को क्रश है इनपे. आपको इनके साथ फीचर होना पड़ा, कैसा रहा? इट वॉज एन एब्सोल्यूटली अमेजिंग एक्सपीरियंस. पूरी की पूरी टीम बहुत अच्छी थी, एंड जसबीर जी तो है ही लेजेंडरी. जैसा आप कह रहे हो, सबका इनके ऊपर क्रश था. वहां पे भी लड़कियां बस मरती जा रही थी, ओ जसबीर जी आए हैं, एंड एवरीबॉडी वाज सो हैप्पी अबाउट दैट. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही थी कि आई वॉज ऑन द सेट ऑफ वेव सिनेमा. हम लोग वहाँ पे हवन कर रहे थे और जसबीर जी भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे देखा, तो उन्होंने बोला, आई मीन जब एक लेजेंड आपसे पूछता है कि यू नो इट, सो इट्स ऑलरेडी एन ऑनर कि यू नो हम एक साथ में गाना करते हैं पंजाबी म्यूजिक. तब कुछ और सॉन्ग के बारे में बात हो रही थी और फिर चीजें बदलती गई. संजय जी के बड़े अमेजिंग कॉमेंट्स आए कि हम इसमें क्या कहते हैं अरेबिक भी मिक्स करें पंजाबी के साथ, बिकॉज बोथ आर सो वाइब, हैज दैट अमेजिंग वाइब एंड वेरी पेपी. तो सबको लगा कि बहुत ही अच्छा तरीका है यू नो सारे लोगों तक पहुंचने का. और साथ ही में मैंने जब जसबीर जी को दिखाया कि यू नो आई एम लर्निंग हिज कोरियोग्राफी, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ जरूर हम इसमें ऐड करेंगे. आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट जसबीर जी इज दैट ही इज वेरी वेलकमिंग. एक टीम को साथ में जोड़कर रखते हैं, सबको मौका देते हैं, सबको यू नो वो हर एक, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो तो लोगों के अंदर एक ईगो आ जाता है. एंड आई थिंक ही इज वेरी हम्बल एंड वेरी काइंड. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट हिम. जसबीर जी, आपके जो गाने रहे हैं जिस तरह से दिल ले गए कुड़ी की अगर बात करूं और आप दिल मंगदी, तो दोनों में ही ये जो दिल का जिक्र है, मुझे लगता है यही पूरा धमाल मचा रहा है. जब भी आप गाने लिखते हैं तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जब भी आप दिल का शब्द यूज करेंगे वो गाना ऑलरेडी सुपरहिट होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था, मैंने सोचा तो नहीं था ऐसा. मगर ये एक कोइंसिडेंस था कि दिल लगी कुड़ी गुजरात दी और दिल मंगदी जो है वो इकट्ठा टाइटल ऐसा हुआ. मैं बल्कि मैंने जब बाद में, जिस दिन पहले दिन हमने सर्च करना शुरू किया तो और लोगों के पहले गाने आ रहे थे दिल मंगदी के, कोई दिल के साथ टाइटल. तो मैंने सोचा यार ये टाइटल क्यों रखा हमने, दिल डालते थे तो दिल लगी कुड़ी गुजरात दी भी आ रही थी. मगर धीरे 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 फिर इस गाने ने जब वो स्पीड पकड़नी शुरू की, फिर वो जो
गूगल के वो सर्च इंजन टाइप होते हैं, आप थोड़ा दिल भी डालो तो अभी दिल मांग दिया आ जाता है। तो उस टाइम नहीं सोचा था, उस टाइम अगर मैं सोचता तो हो सकता मैं चेंज कर देता। तो आई थिंक कि कई चीजें ना जो वो दिल पे छोड़ देनी चाहिए। ये फिर दिल आ गया। तो जो दिल से निकली चीज होती है ना, वो अलग ही लेवल पे लेके जाती है। जब हम लोग दिमाग यूज करते हैं ना, बहुत बहुत टाइम ऐसे होता है जब दिल लगी भी आया था। इवन मैं कई बार सोचता हूँ जिस पे मैंने बहुत दिमाग जिन प्रोडक्ट पे लगाया है वो कभी चले नहीं। जिन पे दिल लगाया है ना, जिनको दिल से लगा के ऐसे मतलब ठीक है यार ये हो गया, आप भी इसको करते हैं, जो दिल कहता गया वो करते गए, जो दिल में आता गया वो करते गए, वो प्रोडक्ट जो है, वो गाने, वो फिल्में, वो गीत लोगों तक पहुंचते, लोगों के दिल को टच कर जाते। जब बहुत मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं ना कि नहीं नहीं इसमें ऐसा करते हैं, इसमें बेस बड़ा बजेगा, इसमें ये होएगा वो होएगा, मेरे मेरा एक्सपीरियंस है कि वो वर्क नहीं करता। वो कभी हो सकता है वर्क कर जाए मगर बहुत कम होता है कि वर्क करे। दिल से निकले, जब दिल लगी कुड़ी गुजरात दी किया था उस टाइम भी उन्होंने बोला जी दिल लगी कुड़ी गुजरात दी कर दो। तो अरोड़ा साहब हमारे सीईओ होते थे, उन्होंने उनके बेटे की शादी पे मैंने 2 लाइनें गाई, उन्होंने एक वीडियो देखी उसकी, तो उन्होंने बोला यार ये गाना कर दे। मैं कह नहीं नहीं जी ये बड़ा फुकरा सा गाना है, मैंने नहीं करना। वो कहते यार कर देना, मेरी जो बहू है उसको वो गुजरातन है, उसके लिए कर दे। बस कर दिया गाना, कहाँ का कहाँ पहुंच गया। फिर कुड़ी कुड़ी भी ऐसे ही गाना बना, फिर मान साहब और जयदेव उन्होंने बोला, निशानी प्यार भी ऐसे बना, चन्नो ऐसे बना, कोका जो है हम बैठे बैठे ऐसे कोका बनाया। तो उस टाइम सोच रहे थे, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि कोका समझ नहीं आएगा किसी को, तो मुझे लग रहा था कि साउंड बहुत अच्छा है इसका, साउंड लोगों को समझ आएगा, साउंड लोगों के दिल तक पहुंच जाएगा, फिर देखेंगे कि ये कहाँ तक पहुंचा है गाना। और वो भी गाना देखो उसने भी वर्क किया, एक गेड़ा गिद्दे विच होर भी ऐसे गाना बना, लौंग दा लिश्कारा जो है वो भी अगर सोचा जाए वो भी टी सीरीज का गाना था, शंकर महादेवन जी उनका म्यूजिक था। मेरी याद है मैं शूट कर रहा था कहीं पठानकोट के पास, तो उनका मैसेज आया हुआ था जब मैं वैनिटी वैन में आया, मैं और कुलभूषण प्रबंधा जी थे, उन्होंने बोला कि जस्सी पाजी शंकर महादेवन है, प्लीज कॉल मी बैक। तो मैंने सोचा यार ये बॉलीवुड, मैं ज्यादा बॉलीवुड का क्रेज ही नहीं था, तो उन्होंने बोला कि जस्सी कर यार को फोन कर खरबंदा साहब ने। तो उन्होंने बोला पाजी आप परसों आ सकते हो, मैंने कहा पाजी मैं तो शूट कर रहा हूँ, तो नहीं कहते कल आ सकते हो, मैंने कहा कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता, परसों मेरी छुट्टी है। तो अगले दिन शाम को मैं शूट खत्म किया, अमृतसर गया, दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से वहां पहुंचा। और मुझे याद है मैंने जब शुरू किया तो मैंने उनको बोला पाजी मुझे 2 घंटे सोने दो, मैंने सोया नहीं हूँ 2 दिन से और खराश बहुत आएगी। तो शंकर पाजी कहते 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 ये खराश ही मुझे चाहिए, बस वो दिल की बात थी। तो ऐसे गया वो गाना, मतलब कुछ कुछ है, होता है ये दिल से निकली बात जो है ना दिल तक लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल इशिका, जहाँ इस गाने का टाइटल भी है दिल मंगदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका दिल क्या मांग रहा है। मेरा दिल तो मांगता है कि अभी जो भी कोरोना का चल रहा है, थोड़ा सेटल हो जाए और खत्म हो, एंड स्पेशली सारी की सारी इंडस्ट्रीज सब बंद होती जा रही है। आप सबको भी दर्द पता ही है इसका, मैं जितना भी बयां करूं वो कम है। स्पेशली जिन लोगों ने अपनी लाइव्स खोई हैं, जिनके मतलब लव्ड वंस चले गए हैं, इट इज सो सैड फॉर देम। सो मेरा तो दिल ऑनेस्टली अभी राइट नाउ तो यही मांग रहा है कि ये महामारी खत्म हो और लोगों को हेल्प मिल जाए और सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ जाए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे गाने बनाए और भी लोगों को एंटरटेन करें। सो या दैट इज व्हाट माय हार्ट रियली रियली वांट्स। जैसी पाजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि बहुत से पुराने सारे ऐसे कलाकार रहे हैं, मैं अगर नाम लूं तो शायद गुरुदास मान जी की बात करूं या फिर हंसराज जी की बात करूं, बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी सिंगर्स रहे हैं। तो ऐसे में जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है जहाँ बैक टू बैक हम एल्बम देख रहे हैं आते हुए, क्योंकि लोग उनके गानों को बहुत मिस करते हैं, उनके गाने हमेशा से ही एवरग्रीन रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उन्हें भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आकर वापस के गाने इस तरह से लाने चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, मतलब आते भी हैं बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट जैसे हरभजन मान है, वो इस टाइम पे बहुत एक्टिव है, पुराने जो लोग हैं उनमें से।
पुराने लोगों को मिस तो करते हैं लोग, डिजिटल का एक अलग वर्ड हो गया है, अलग एक दुनिया हो गई है। तो पुराने आर्टिस्टों को, और इसकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कंपनीज वाले जो अच्छे म्यूजिक को प्रमोट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, आप 80% किसी को भी प्रमोट करो जो गाली गलौज करता है, कोई कुछ करता है, मगर 20% उन लोगों को भी प्रमोट करते जाओ। और गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को इंस्पायर करके लाया जाए, क्योंकि जो लोग थोड़े स्किल्ड होते हैं, क्राफ्टेड होते हैं, उनकी ना एक प्रॉब्लम जरूर होती है, जिन्होंने सीखा होता है, जिनको लिटरेचर पता होता है, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि उनके उनके अंदर थोड़ा सा गुरूर होता है, अक्कड़ होती है एक्चुअली। उनको लगता है कि यार हमने सीखा हुआ है, हम क्यों किसी के पीछे पीछे घूमें। ये मुश्किल चीज तो मुश्किल ही है, एथिकली ये बड़ी खराब चीज है। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है कि उन आर्टिस्टों को भी प्रमोट किया जाए जो आर्टिस्ट, मतलब बेचारे उम्र निकल रही है मगर आर्टिस्ट बहुत बड़े उनके लिए। उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, तब तब लोगों को पता चलेगा, सारा सारे लोगों को कि कौन है ये लोग। जैसे मतलब ये भी गाना जो है, मैं भी डिजिटल का बंदा नहीं हूँ ज्यादा, मगर ये गाना जो टी सीरीज ने इतना प्रमोट किया, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। टी सीरीज जो है वो किसी भी आर्टिस्ट को कहीं भी, मतलब वो डालती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मतलब बल्ले बल्ले हो जाती है। तो आई थिंक कि बाकी भी आर्टिस्ट जो है उनको आना चाहिए, उनको लोगों तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल ज्योति माजी, अगर अभी की बात की जाए, अभी के जनरेशन की, जितने सारे नए नए सिंगर्स आए हैं, तो ऐसे में आपके सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ नए वालों में, जी, नए वाले, हाँ जी, नए वाले जो पंजाबी सिंगर हैं उनमें से मुझे अगर पंजाबी की बात करें, रंजीत बावा बहुत अच्छे हैं, कुलविंदर बिल्ला हमारे काफी जूनियर हैं, वो बहुत बहुत अच्छे हैं। वो काफी लोग हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं। लखविंदर बडाली चलो मेरे से थोड़े जूनियर हैं, वो ज्यादा सीनियर नहीं है, बॉलीवुड जूनियर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। की बात की जाए अगर तो बॉलीवुड की बात करो तो अभी जैसे ये दर्शन रावल और ये लोग जो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं ये लोग, तो इवन मतलब टी सीरीज के जो जितने भी आर्टिस्ट हैं सारे ही बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर कुछ आर्टिस्ट तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे गाने वाले हैं, उनके गाने जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। अगर थोड़ा सा मैं अब इनसे थोड़ा सीनियर सीनियोरिटी में जाऊं तो जैसे अरिजीत हैं, वो कमाल के सिंगर हैं, वो मतलब हर चीज इतनी अच्छी गाते हैं कि अच्छा लगता है। तो ये सारे काफी आजकल काफी, वैसे जो ये जो टीवी प्रोग्राम्स है ना, उन्होंने काफी अच्छे लोगों को प्रमोट किया, और खास करके फिर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उनको पता होता है, डिजिटल की रीच भी उनको पता होती है, तो वो लोगों तक पहुंचते रहते हैं और ज्यादा सीखते रहे, सीख के आए तो और अच्छी बात है, फिर तो मतलब सोने पे सुहागे वाली बात है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारे साथ बॉलीवुड स्पाइर में जुड़ने के लिए। आपके सॉन्ग को इतना प्यार मिला है, हम चाहेंगे कि आप आगे भी इसी तरह से धमाल मचाते रहे अपने गानों से। अगर आपका कोई भी मैसेज आपके सारे फैंस के लिए, तो प्लीज गो अहेड। मैं तो एक मैसेज देता हूँ, वो आपको थोड़ा सा गा के बताता हूँ। मुंदिया विच नग जड़वाए की दे दस नाम तू, जस्सी नू मुफ्त च कीता बदनाम तू, अगलों दी जावे जितों जितों लंघदी, दिल मंगदी ओ कुड़ी, दिल मंगदी ओ कुड़ी, दिल मंगदी ओ कुड़ी इश्का। बोलो, चलो मैं आपके बैकग्राउंड पे म्यूजिक देता हूँ, आप बोलते रहो। हाँ, मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड वो थोड़ा सैड टाइम है सबके लिए। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली अभी हॉस्पिटल से वापस आई है, तो मैं सबका दुख दर्द समझती हूँ। तो इस टाइम पे ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि सब लोग पॉजिटिव रहें और अच्छी चीजों के बारे में सोचें, समझें। आई नो बहुत लोगों को दुआओं की जरूरत है, बट जितने लोग ठीक हो रहे हैं वो पॉजिटिव रहें और खुश रहें और नाचते गाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू जसी थैंक्स सो पाजी, मच जी। आपका कोई मैसेज है आपके सारे फैंस के लिए? बस अच्छा गाना सुनना है, आर्ट को प्रमोट करो, आर्ट को जिंदा रखो, जो भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको प्यार करो, चाहे ठीक है नए लोगों को भी प्यार करो, नए नए में भी वो लोग चुनो जो
जो डिजर्विंग लोग हैं, तो तभी हमारा आर्ट कल्चर सोसाइटी जो एनवायरनमेंट है वो बचा रह सकता है, रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन बॉलीवुड स्पाय, बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से बात करके। मैं चाहूंगी कि सभी व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि दिल पंक्ति उन्हें कैसा लगा, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वाचिंग बॉलीवुड स्पाय।